सीहोर जिले में बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार बटेल सोमवार को सलकनपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर खेड़ापति हनुमान मंदिर और देवी विजासन से विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेसियों से मिले। इसी बीच मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, महंगाई आसमान पर है, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आपको बता दें कि राजकुमार पटेल पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे हैं, साथ ही बुधनी विधानसभा का पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं। सीहोर से चंदर सिंह भगवान की रिपोर्ट। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अभी रेटी में घुसा तो गुस्से से ही मुझे एक दुकान के ऊपर किसान ने बोल दिया खाद नहीं मिल रहा, किसान परेशान है, उनकी धान नहीं बिक रही, उनका मक्का नहीं बिक रहा, उनका सोयाबीन का भाव नहीं मिल रहा, मूंग का पैसा नहीं आ रहा, तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महंगाई से जनता त्रस्त है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के ऊपर लगातार अत्याचार पे अत्याचार, पूरे प्रदेश के साथ साथ बुधनी विधानसभा भी उससे अछूता नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लड़ना चाहेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि एक चुनाव से ना तो सरकार बननी ना बिगड़नी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश की जनता की आवाज़ बनने के लिए ये चुनाव लड़ रही है, और जीत के जनता की आवाज़ बनेगी और जनता के मुद्दों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, आम आदमी की सुनवाई हो। क्योंकि अभी देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एकदम से टीका टिप्पणी करने उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आम जनता की, गरीब जनता की और छोटे लोगों की, मध्यम वर्गीय लोगों की घोर अपेक्षा इस विधानसभा में हुई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनकी आवाज़ दें।